अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 4 अक्टूबर से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो गई है, जिसमें पहला मैच भारत ने जीतकर सीरीज में 1-0 बढ़त बना ली है। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अक्टूबर को खेला जाना है। हां, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला हैदराबाद में 12 अक्टूबर 2018 को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसका लाइव स्टार स्पोर्ट देख सकते हैं। 12 अक्टूबर को खेले जाने वाले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले टेस्ट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने वाले केएल राहुल और उमेश यादव की जगह दूसरे टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल और मोहम्मद सिराज को टीम में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। आपके अनुसार क्या यह टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए सही रहेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रोचक खबरों के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।